नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के संगमनेर तहसील में बीजेपी के सुजॉय वीके पाटिल द्वारा आयोजित एक सभा में बीजेपी नेता वसंतराव देशमुख ने कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात की बेटी जयश्री थोरात को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान, जिसके बाद मचा बवाल। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुस्से में कई गाड़ियों में की तोड़फोड़ और संगमनेर पुलिस स्टेशन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। जयश्री थोरात पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता वसंतराव देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज। बालासाहेब थोरात के समर्थकों ने सुजॉय के खिलाफ भी केस दर्ज करने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। तोड़फोड़ और आगजनी करने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज। वसंतराव देशमुख के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर अजित पवार ने सुजॉय विखे पाटिल की लगाई क्लास। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने महायुति को संकट में डालने वाले बयान देने से बचने की दी सलाह। उदय सामंत ने भी की बयान की निंदा, कहा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा महिलाओं के खिलाफ अपमान। बीजेपी के पूर्व सांसद सुजॉय विखे पाटिल के काफिले की गाड़ी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया आग के हवाले। भाजपा नेता ने लगाया आरोप, कहा उन पर हमले की पहले से रची गई थी साजिश, लेकिन मैं रूट बदल कर अपने आप को बचाया सुरक्षित। कांग्रेस नेता की बेटी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा दंगे करा कर चुनाव जीतना है बीजेपी का पुराना धंधा, इसलिए उनके नेता महिलाओं पर करते हैं आपत्तिजनक टिप्पणी। माही विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को समर्थन दे सकती है महायुति। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने दिए संकेत, कहा मनसे को समर्थन देने के लिए एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के सामने रखेंगे प्रस्ताव। शिवाजीनगर मानखुद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं नवाब मलिक, ट्वीट कर दिए संकेत, कहा शिवाजीनगर मानखुद में है बदलाव की जरूरत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, जिसमें 23 कैंडिडेट्स के नाम का किया ऐलान। सावनेर विधानसभा से सुनील केदार की पत्नी अनुजा केदार को दिया टिकट, वैसे से विजय गोविंद पाटिल। सायन कोलीवाड़ा से गणेश कुमार यादव और श्रीरामपुर से मौजूदा विधायक का टिकट काट कर हेमंत ओगले को दिया टिकट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के खिलाफ सुरेश बोयर को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस ने अब तक 71 उम्मीदवारों का नाम का किया ऐलान। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी, जिसमें 15 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। धुले शहर से अनिल गोटे, चोपड़ा से राजू तड़वे, जलगांव शहर से जयश्री महाजन, बुलढाणा से जयश्री शेलके, हिंगोली से रूपाली पाटिल, कल्याण पश्चिम से सचिन बासरे, कल्याणपुर से धनंजय बोडारे, वडाला से श्रद्धा श्रीधर जाधव, शिवड़ी से अजय चौधरी और भाईखल्ला से मनोज जामसुतकर को बनाया उम्मीदवार। अब तक 80 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी, जिसमें 40 बड़े नेताओं का नाम है शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व सांसद नवनीत राणा का नाम है शामिल। महाराष्ट्र में चुनाव में होने वाली धांधली को लेकर जारी है पुलिस प्रशासन का एक्शन। सतारा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक एसयूवी गाड़ी से बरामद की 15 लाख रुपए की नकदी। चुनाव आयोग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई पैसों की जानकारी। महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों का जारी है एक्शन। 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच अवैध शराब, नकदी और ड्रग्स समेत 91 करोड़ से अधिक की जब्त की संपत्ति। पिछले 36 घंटे के भीतर 52 करोड़ से अधिक रुपए किए गए जब्त। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में बड़ा एक्शन। मुंबई पुलिस और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में एक और आरोपी को किया गया गिरफ्तार। मुंबई के रहने वाले सुजीत सुशील सिंह के रूप में हुई आरोपी की पहचान। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक हत्या को अंजाम देने के लिए 4 बंदूक का किया गया इस्तेमाल, जिसमें से 3 विदेशी और 1 थी देसी गन। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत भेजे गए थे हथियार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले ठाकरे भाइयों को मिलाने की चल रही है पहल। मनसे नेता बाला नंदगांवकर ने दिया बयान, कहा अगर उन्हें मौका मिला तो वे ठाकरे भाइयों यानी कि उद्धव और राज ठाकरे को एक साथ लाने की करेंगे कोशिश। मराठा आरक्षण को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने मुंबई की 36 सीटों में 30 पर चुनाव लड़ने वाले इच्छुक मराठा उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। मनोज जरांगे पाटिल मराठा
क्रांति मोर्चा से मुंबई के डब्बे वाले भी लड़ सकते हैं चुनाव। हालांकि कुछ दिनों बाद सामने आएगी उम्मीदवारों की फाइनल सूची। किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगने की दी सलाह। कहा, माफी मांग ले सलमान, समाज का रह जाएगा सम्मान। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान यात्री के प्राइवेट पार्ट से बरामद किया सोना। जानकारी के मुताबिक यात्री अबू धाबी से तस्करी कर अपने रेक्टम में छिपा कर लाया था 90 लाख का सोना। नवाबों के शहर लखनऊ में भिखारियों ने कमाई के मामले में कई नौकरी पेशा लोगों को छोड़ा पीछे। कई भिखारियों के पास मिले हैं स्मार्टफोन और पैन कार्ड। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इनकी औसत मासिक आमदनी है 90,000 से 1,00,000 रुपए। लोकसभा में विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली की एक स्थानीय नाई की दुकान का किया दौरा और उसकी सुनी आपबीती। कांग्रेस नेता ने नाई से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, कुछ नहीं बचता है अजित भाई के ये चार शब्द और उनके आंसू आज भारत के हर मेहनतकश गरीब और मध्यम वर्गीय की कहानी कर रहे हैं बयां। मध्य प्रदेश के रीवा से हैरान कर देने वाला वीडियो है। सामने दुकान के अंदर दोस्तों के साथ बात कर रहे युवक को अचानक से आया हार्ट अटैक। मौके पर ही हुई मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ मौत का खौफनाक मंजर। एक बार फिर रची गई ट्रेन के डीरेल करने की साजिश। लखनऊ के पास मलिहाबाद रेलवे स्टेशन के नजदीक पटरी पर करीब 6 किलो वजन और 2 फीट लंबा लकड़ी का ब्लॉक रखकर बरेली वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी से उतारने की थी साजिश। ट्रेन के पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत लगाया इमरजेंसी ब्रेक, जिसके चलते टल गया बड़ा हादसा। ईरान के हमले का आखिरकार 25 दिन बाद इसराइल ने दिया जवाब। इसराइल ने ईरान के कई शहरों में बरसाए रॉकेट। इसराइल की सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान के अलावा सीरिया और इराक में भी किया गया हमला। ईरान ने माना इजरायली हमले में मारे गए 2 जवान। IDF ने किया दावा, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी हुआ तबाह। सऊदी अरब ने की इसराइल के हमले की निंदा। कहा, इसराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का किया उल्लंघन। दिग्गज कंपनी एप्पल को लगा बड़ा झटका। इंडोनेशिया ने आईफोन 16 को देश में बेचने और ऑपरेट करने पर लगाया बैन। इंडोनेशिया सरकार ने लगाया आरोप, एप्पल की ओर से उनके देश में निवेश करने की कही गई थी बात, लेकिन कंपनी ने नहीं ऐसा किया, जिसके बाद लिया गया बैन करने का फैसला। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए N24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।